नमस्कार दोस्तों, निवारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी में जो पोस्ट आई है असिस्टेंट सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की, उसके प्रिपरेशन जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की, और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में। तो जब भी हम इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसके साथ में क्या क्या समस्याएं हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसको डील करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जिससे कि हम बाद में इन समस्याओं को लिस्ट आउट करके इनसे डील करने का एक सही तरीका जो है ढूंढ सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि सॉलिड वेस्ट में इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ डील करने में क्या क्या समस्याएं आती हैं और कितने प्रकार के इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हैं होते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली समस्या जो है वो ये आती है कि हमारे पास में इंडिया में कोई भी स्पेसिफिक डिस्पोजल साइट नहीं है जहां पे हम अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को डंप कर सकें। और ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो सॉलिड वेस्ट जनरेट करती हैं उनके पास में एवन आप कहोगे कि कंसेंट तक नहीं होता है किसी भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। वो कंसेंट भी नहीं लेते हैं कि उनका कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, किस प्रकार का वेस्ट जनरेट हो रहा है। और जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो ऐसे जगह पे लोकेटेड हैं जिससे कि ना केवल वो वाटर और एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज कर रही हैं, बल्कि जो ये जो हमारा टॉपिक है सॉलिड वेस्ट, वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो डंप करती हैं। और ये जो साइट होती हैं ये नियर बाई ऑफ इंडस्ट्री होती हैं। जब एक इंडस्ट्री के पास में ही उसका डंप साइट होता है तो जैसे मैंने बताया कि ना केवल एयर और वाटर की समस्या वहाँ पे होती है कि एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, बहुत सारी बीमारियाँ फैलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड जो भी हमारे इंडस्ट्रियल पार्क हैं उनके पास में कोई भी ऐसा वेस्ट को कलेक्ट करने का, ट्रीट करने का, डिस्पोज करने का कोई भी फैसिलिटी नहीं होता है। जो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल पार्क में लोकेटेड होती हैं उनके पास में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं होती है जिससे कि वो अपने वेस्ट को कलेक्ट कर सके, ट्रीट कर सके एंड डिस्पोजल कर सके। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी लोकल बॉडी जो है उसका किसी प्रकार से कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है किसी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि वो इस इशू के रिगार्डिंग बात कर सके कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस प्रकार से लोकेटेड हैं, किस प्रकार से उनका वेस्ट जो है जनरेट होता है और किस प्रकार से वो वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। जबकि हमें ये चाहिए कि जब भी कोई इंडस्ट्री लोकेट होती है कहीं भी तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है लोकल बॉडीज के साथ में मिलके ये तय करे कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे लोकेट होनी चाहिए और किस प्रकार से वो अपने वेस्ट के साथ में डील करेंगे। इन्हीं समस्याओं के चलते हुए वेस्ट जो है इंडस्ट्री जनरेट तो कर देती है पर सही तरीके से उसको वो डिस्पोज नहीं कर पाती है।
अभी तक हमने जितनी बातें की हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, इन पे एक क्वेश्चन जो है हमेशा आ जाता है बच्चों, और एक क्वेश्चन जो आता है यहाँ से आता है कि आपके कितने प्रकार के इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेट होते हैं। यहाँ पे जब हमारे सिलेबस में इंडस्ट्रियल वेस्ट मेंशन कर दिया जाता है तो हमारा फोकस जो है स्पेसिफिक इस वेस्ट पे रहना चाहिए कि जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है रिलीज करती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कोल ऐश की। कोल ऐश जो है एक बहुत बड़ा वेस्ट है। 2008 तक ये जो है हजार्डस वेस्ट कैटेगरी में आता था, पर जब 2016 में हजार्डस वेस्ट एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट रूल बने तो कोल ऐश को यानी कि फ्लाई ऐश को हजार्डस वेस्ट कैटेगरी से निकाल दिया। अगर हम ये देखते हैं कि कितना जनरेट होता है तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 1000 मेगावाट का जो आपका थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो कोल यूज होता है वो कोल जो है वो 3500 किलो कैलोरी जो है आपका पर केजी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर आप देखें कि भाई आपका 3500 जो है ये इतना जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है 1 किलो कोल को बर्न करने में, और इस कोल को जब हम बर्न करते हैं तो इसमें 40 से 50% तक जो है वो ऐश होती है, राख होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी जो हाल ही में यूजीसी ने इन्वायरमेंट साइंस के लिए जो नेट का एग्जाम लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि जब हम कोल बर्न करते हैं तो कितने परसेंट जो है उसमें आपका ऐश होता है। तो 40 to 50% जो है कोयले में, इंडियन कोल की हम बात कर रहे हैं, एंड इसमें 40 से 50% तक जो है राख होती है, ऐश होती है। तो अगर आप 1000 मेगावाट का एक स्टेशन जो है लगाना चाहते हैं तो आपको लगभग 500 हेक्टर लैंड चाहिएगा केवल 30 साल के वर्किंग पीरियड के लिए। ठीक है, और इस 500 हेक्टर एरिया में केवल आप क्या करेंगे, अपनी इस कोल ऐश को डंप करेंगे। इतना एरिया हमें चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है सबसे पहले कि आप जब भी कोल को यूज करें तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप एनर्जी तो प्रोड्यूस कर लेंगे बट इससे जो ऐश प्रोड्यूस होगी उसको आप किस प्रकार से डिस्पोज करेंगे, डंप करेंगे या यूज करेंगे जिससे कि इसका, इस ऐश का कम से कम जो है इन्वायरमेंट पे असर हो। हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इसके चल रहे हैं, जैसे कि फ्लाई ऐश से ब्रिक बनाने का जो है प्रोजेक्ट चलता है, रोड मेकिंग में ये यूज होता है, बट समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि कई बार हम देखते हैं कि ऐश में हैवी मेटल का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से आप इसे एज ए फर्टिलाइजर जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि इसमें कुछ न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं पर हैवी मेटल की मौजूदगी जो है इसे
एज ए फर्टिलाइजर जो है यूज करने का जो प्रोसेस है उसको रोकती है। दूसरा इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है आपका, जो कि है आयरन एंड स्टील प्लांट स्लैग। तो बेसिकली जो आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग के जो आपके इंडस्ट्रीज हैं उनसे जो स्लैग निकलती है वो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बेसिकली उसको कहते हैं, और ये भी एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने वाला वेस्ट है। हालांकि इस स्लैग का इस्तेमाल जो है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं उनमें किया जाता है, बट फिर भी इस स्लैग को भी इसी तरीके से ओपनली डंप कर दिया जाता है, और इसका हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत बुरा जो है इफेक्ट होता है। फिर नेक्स्ट आपका जो पोल्यूटेंट है ये है फॉस्फोजिप्सम। फॉस्फोजिप्सम बेसिकली ये आपके उन प्लांट से निकलता है जो फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं, अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं, आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो बनाते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, हालांकि ये बिल्डिंग बनाने के काम जो है आ जाता है, एंड इसके अलावा ये सीमेंट बनाने के जिप्सम बनाने के काम भी आ जाता है, टाइल जो बनती हैं वो, आर्टिफिशियल मार्बल, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। बट समस्या ये भी है कि हमारे जहाँ पे इंडस्ट्री हैं वहाँ पे ऐसे प्लांट होने भी तो चाहिए जो उसको यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट आपका है रेड मड। रेड मड जो है ये भी एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो नॉन फेरस मेटल एक्सट्रैक्शन वाले जो प्लांट हैं लाइक एल्युमिनियम के, कॉपर के, वहां से ये निकलते हैं। और अगर इनको हम सही तरीके से डिस्पोज ना करें तो ये बह के रिवर में चले जाएंगे, जैसे बरसात के टाइम में ये घुल के पानी में, रिवर में, लेक में, इनमें चले जाते हैं और वहाँ के पानी को ये पोल्यूट करते हैं। इसीलिए जो है इनको सही तरीके से डंप करना बेहद ज़रूरी है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा जो है लाइम मड। लाइम मड जो है इसको लाइम स्लज या लाइम मड भी कहते हैं, और ये बेसिकली पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, इनसे निकलता है, और बहुत लार्ज अमाउंट में निकलने वाला ये वेस्ट है। ये भी अगर हम इसको सावधानी से डंप ना करें तो अपना जो अल्टीमेटली वाटर रिसोर्सेज में ये एंटर कर जाता है मानसून पीरियड के बाद में, तो इसको भी बड़ी सावधानी से हमें डंप करना चाहिए। बच्चे ये सब जो मैं आपको वेस्ट बता रहा हूँ, जो उनका यूज बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम होते हैं एनवायरमेंट साइंस के, इंडस्ट्रीज के लिए, साइंटिस्ट के लिए, उनमें ये सब क्वेश्चन जो है आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से मुझे सुन रहे होंगे और इनको आपने लिख लेना है बच्चे, ठीक है। वेस्ट स्लज एंड रेजिड्यू, तो वेस्ट स्लज और रेजिड्यू ये आपके वाटर ट्रीटमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बाद में जो सॉलिड बचता है वो होता है। ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने वाला वेस्ट है। अगर आपकी स्लज हजार्डस है तो डेफिनेटली आप हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट के माध्यम से इसे डिस्पोज करेंगे, पर कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा जो स्लज है वो हजार्डस है या नहीं है, तो ऐसे टाइम पे इंडस्ट्रीज ओपनली ही ऐसे वेस्ट को डंप कर देती है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा
पोल्यूट करती है, ना केवल सरफेस वाटर बल्कि ग्राउंड वाटर को भी ये पोल्यूट करती है। तो यहाँ पे ये आपके मेजर टाइप के सॉलिड वेस्ट हैं जो कि इंडस्ट्री से निकलते हैं। हमारे सिलेबस में मेंशन है, स्टार्टिंग में ही आप देखेंगे म्यूनसिपल की हम बात कर चुके हैं, उसके बाद में इंडस्ट्रियल वेस्ट की हमने यहाँ पे बात की। एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम जो है हम क्लियर कर पाते हैं बच्चों। तो अब धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, हजारडस वेस्ट की बात करेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करेंगे, सभी वेस्ट की हम बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि संपूर्ण सिलेबस आपका जो है हम कवर कराएं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएं, जैसे हमेशा की तरह हमारे बच्चे करते आए हैं और करते रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में इतना ही हम जो है कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है डेफिनेटली हम जल्दी ही बनाएंगे, और जैसे मैंने भी कहा कि पूरा का पूरा सिलेबस आपका अच्छे से कवर करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, जियो बच्चों, टेक केयर।